बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जो डिस्कस करने का टॉपिक है वो है पार्शियल फ्रैक्शन की एक्सरसाइज 4.1। लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किए थे पार्शियल फ्रैक्शन के कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़, जिसमें हमने सीखा था कि फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और पार्शियल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, रिजल्टेंट फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें सीखने के बाद हमने एक आखिरी चीज़ सीखी थी जिसके ऊपर लाई करती है 4.1, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर पर हमारी पूरी एक्सरसाइज 4.1 निर्भर है। और हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर किस तरह से परफॉर्म होते हैं। ठीक है, बिल्कुल उसी बेस पर हम ये सारे सवाल आपके सामने डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं 4.1 का। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको गिवन है बुक में, आपकी एक्सरसाइज 4.1 में। 7x-9 न्यूमरेटर होल डिवाइड बाय x+1 x-9। x प्लस वन और x माइनस नाइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो अब देखें ज़रा, इसका आपने निकालना है पार्शियल फ्रैक्शन। आपने इस फ्रैक्शन को तोड़ना है, पार्शियल करना है दो हिस्सों में, तीन हिस्सों में, और जितने भी बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं पार्शियल? दो बन सकते हैं। क्यों? डिनोमिनेटर में ज़रा गौर करो, आपके पास दो वैल्यू हैं, एक x प्लस वन और एक x माइनस नाइन। तो हमारे पार्शियल होने के बाद कितने फ्रैक्शन बनेंगे? दो फ्रैक्शन बनेंगे। ठीक है, अच्छा अब डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से ये पार्शियल हो सकता है। तो लास्ट क्लास मैंने आपसे जो नॉन रिपीटेड लीनियर डिस्कस किया था, बिल्कुल वैसे ही करते हैं। 7x-9 x+1 और x-9, क्लियर। अब इसको हमने करना है दो हिस्सों में तोड़ना है। क्या एक तो a हमें नहीं पता ना, हमें नहीं पता x+1 पहला डिनोमिनेटर, दूसरा डिनोमिनेटर। इस तरह से तोड़ देने का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। अब मैंने ऊपर 7x-9 के लिए कहा, ये हरकत कभी मत कीजिएगा बच्चों, ये 7x-9 इस तरह से नहीं टूट सकता कभी भी। हाँ टूट सकता है, कैसे टूट सकता है? अगर आप 7x x+1 x-9 और -9 x+1 x-9 इस तरह से तोड़ सकते हैं, लेकिन जो हरकत मैंने ये की है x+1 और x-9 ही, ये डिनोमिनेटर ही अलग कर दिया। तो जब भी डिनोमिनेटर अलग करेंगे तो ऊपर ये नहीं लिख सकते, ऐसा मैथ्स का रूल है ही नहीं। ठीक है, तो ऊपर लिखने के, न्यूमरेटर लिखने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले मैंने ए और बी लिख दिया, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि क्या आएगा ऊपर। और ऊपर निकालने के लिए अभी हम वो फाइंड आउट करेंगे, इसी का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। तो आए देखें किस तरह से फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ तक सब मेरे साथ हैं, x+1 x-9, न्यूमरेटर नहीं मालूम, ए बी, क्लियर। आगे चलते हैं, अब आपने लेना है इस साइड का एलसीएम। जब आप इस साइड का एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? ये तो एज इट इज एज कॉपी हो जाएगी ये साइड, ठीक है। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी ए x-9 + b x+1, क्लियर। यहाँ तक सब मेरे साथ है, ए x-9 उठ के आएगा प्लस बी x+1। एलसीएम लिया सिंपल, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ एलसीएम लिया है। ठीक है, और मैं एलसीएम पूरा प्रॉपर करके नहीं बता रहा, क्योंकि हमारा एलसीएम का टॉपिक नहीं है। आप बड़ी क्लास हैं, आपको एलसीएम लेना आना चाहिए और आता होगा, यकीनन आता होगा। ठीक है, तो जब भी हम एलसीएम लेते हैं तो क्या करते हैं, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x+1 और x-9 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं इसकी अपनी टर्म के साथ। जैसे आप इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x+1 वाली टर्म तो नहीं लिखेंगे, बचती है x-9, तो वो लिख दिया। इसी तरह b के पास x-9 तो है लेकिन x+1 नहीं है, वो लिख दी। ठीक है, सिंपल सी लॉजिक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब आप ज़रा देखें, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। क्या सेम है? एक x+1 और एक x-9। ठीक है, तो जब भी दोनों के सेम आपके पास, जब भी डिनोमिनेटर सेम हो या न्यूमरेटर सेम हो, तो आप क्या करते हैं, इसमें से
दोनों वैल्यू को आपस में कट कर देते हैं, ऐसे ही है। तो आपने क्या किया, दोनों वैल्यूज़ को आपस में कट, डिनोमिनेटर आपस में सेम थे, कट हो गए, क्लियर। बची कौन सी वैल्यू, 7x माइनस 9, ए एक्स माइनस 9 प्लस बी एक्स प्लस 1, क्लियर। यहाँ तक आई होप सो हर बच्चे को बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अब आप ज़रा गौर से देखें, पूरी इक्वेशन में एक वेरिएबल है x, एक a और b, a और b तो निकालने हमने, ठीक है, बाकी x के ऊपर हमारी पूरी इक्वेशन लाई कर रही है। हमने चेंज करनी है वैल्यू x की, हमने सपोज करनी है वैल्यू, चेंज कब करेंगे, जब सपोज करेंगे, हम सपोज करेंगे x की वैल्यू, ठीक है, ऐसी x की वैल्यू जो या तो a को ख़त्म कर सके या तो b को ख़त्म कर सके, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था। अच्छा, क्यों कर सकें, ख़त्म क्यों कर सकें, तो बच्चों अगर a ख़त्म नहीं होगा तो b कैसे आएगा, और अगर b ख़त्म नहीं होगा तो a कैसे आएगा। a की इक्वेशन में a भी है, b भी है, तो ऐसा तो कोई रूल ही नहीं है हमारे पास मैथ्स में कि एक इक्वेशन में दो वेरिएबल हों और दोनों ही फाइंड आउट करने हों, ठीक है। इस वजह से हमने या तो a की वैल्यू को ख़त्म करना है तो भी या b बच जाएगा हमारे पास और b फाइंड आउट कर लेंगे, या तो b की वैल्यू को ख़त्म करेंगे तो a बच जाएगा और वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अभी होगा कैसे, आए देख के करके बताते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि a की वैल्यू निकालूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि a की वैल्यू को निकालूँ तो b को ख़त्म करना पड़ेगा, और b ख़त्म कैसे होगा, अगर मैं x सपोज करूँ माइनस वन, क्लियर, अगर मैं x सपोज करूँ माइनस वन तो माइनस वन प्लस वन ज़ीरो, और ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई बी इज इक्वल टू ज़ीरो, बी ख़त्म हो जाएगा, a बच जाएगा। लॉजिक समझें, लॉजिक समझें, अगर x को सपोज करूँ माइनस वन, अब देखें मैं काम ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ आपको कन्फ्यूजन लगे, कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेट x इज इक्वल्स टू माइनस वन, ठीक है, या आप इसको इक्वेशन का नाम दे दें, इक्वेशन वन, ठीक है, इस वाली इक्वेशन को वन का नाम दे दें, हमेशा हर सवाल में, हर सवाल में जब आप ये बना लेंगे तो इसको इक्वेशन वन का नाम दे दें, ठीक है। और यहाँ लिखें, यहाँ लिखें पुट x इज इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन वन, ठीक है, इस पूरी इक्वेशन में x जहाँ जहाँ भी है x की जगह आ जाएगा माइनस वन। तो देखें 7x माइनस नाइन, 7x माइनस नाइन, x की जगह माइनस वन, ठीक है, फिर a x माइनस नाइन, तो x की जगह क्या आ जाएगा माइनस वन माइनस नाइन, प्लस बी माइनस वन प्लस वन, ऐसा ही है। देखें ज़रा गौर से इक्वेशन, 7x माइनस नाइन, 7 माइनस वन माइनस नाइन इजिकल्स टू ए एक्स माइनस नाइन इजिकल्स टू ए एक्स की जगह माइनस वन माइनस नाइन, फिर प्लस बी एक्स प्लस वन, तो बी माइनस वन प्लस वन। अब देखें माइनस प्लस माइनस सेवन माइनस नाइन, ए माइनस माइनस प्लस, और 9 प्लस वन 10, साइन बढ़ेगी माइनस आएगी, बी माइनस वन प्लस वन ज़ीरो हो गया। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ दें, माइनस माइनस प्लस, 7 प्लस 9 16, साइन बढ़ेगी, क्लियर, ए माइनस 10 और वो हो गया ज़ीरो, बी प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ज़ीरो वाली वैल्यू ख़त्म हो गई, ठीक है, ख़त्म हो गई। बचा ये, हमने फाइंड क्या करना है, ए फाइंड करना है, तो ए को अकेला करना पड़ेगा, माइनस टेन को इज इक्वल्स टू के बाद भेजना पड़ेगा, ऐसा ही होगा, ठीक है। ए माइनस ए मल्टीप्लाई बाय माइनस टेन, तो ए से माइनस टेन मल्टीप्लाई हो रहा है, जब वो इज इक्वल्स टू के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई चेंज हो जाता है डिवाइड में, ठीक है, मल्टीप्लाई हमेशा चेंज हो जाता है
डिवाइड में। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब आप क्या करें, डिवाइड कर लें, ठीक है, 16 और 10 को डिवाइड कर लें। माइनस से माइनस कट, 2 5 2 8, ठीक है, ऐसा ही होगा। और 8 डिवाइड हो जाता है 5 से, नहीं हो सकता। इसका मतलब a इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, a इज इक्वल्स टू 8/5, ठीक है, ये आ गया a का रिजल्ट। ठीक हो गई। अब आपने फाइंड करना है b, a आपने फाइंड कर लिया, अब आपने फाइंड करना है b। अब b के लिए बताएं क्या करेंगे, देखें आपके पास वैल्यू है 9, ठीक है, आपके पास वैल्यू है 9, तो आप 9 पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपने 9+9 पुट करना है, तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखें, पुट x इज इक्वल्स टू +9 इन इक्वेशन 1, थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गई। मैंने सिर्फ x की जगह 9 डाला है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैंने 9 डाला है, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं, 7 9 63 63 माइनस 9 63, डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, 63 माइनस 9 54 54, 9 minus 9 0, 0 मतलब a 0 ख़त्म, प्लस b 0 नहीं लिख रहा मैं, 9 plus 1 10, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ कर डिवाइड, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें 54 क्या डिवाइड हो सकता है 10 से, हो सकता है, टू 27 सा 2 5 सा, तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 27/5, ठीक है। अब आपने ये वैल्यू a और b उठा के कहाँ रखनी है, इस इक्वेशन में, ठीक है। आप पूरा सवाल वापस कॉपी करेंगे, सेवन एक्स माइनस नाइन एक्स प्लस वन एक्स माइनस नाइन, ये हो गई बात। अब आपने क्या करना है, a अपॉन एक्स प्लस वन, तो a क्या है, 8/5, 8/5 एक्स प्लस वन, प्लस b अपॉन 9 माइनस एक्स माइनस नाइन, b 27/5, 7/5 एक्स माइनस नाइन, ये बच्चों आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है, कॉपी डाउन करना चाहते हैं अपने पास तो कॉपी डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको आसानी हो जाए सॉल्व करने में। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हमारा पहला सवाल हो गया, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू हमें कहते हैं x माइनस 11 डिवाइड बाई x माइनस 4 x प्लस 3। तो अब आए देखें इसको भी सॉल्व करते हैं उसी तरीके से, बिल्कुल x माइनस 11 x माइनस 4 x प्लस 3 इज इक्वल्स टू
a डिवाइड बाय एक्स माइनस फोर और b डिवाइड बाय एक्स प्लस थ्री। ये दो चीज़ें हो गई। अब एलसीएम एक्स माइनस इलेवन, एक्स माइनस फोर, एक्स प्लस थ्री, ए एक्स प्लस थ्री प्लस बी एक्स माइनस फोर होल डिवाइड बाय एक्स माइनस फोर एक्स माइनस थ्री। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। एलसीएम ले लिया, डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गए। जैसे डिनोमिनेटर सेम होंगे हम उसको कट कर देंगे, ठीक है। बच जाएगा हमारे पास एक्स माइनस इलेवन, ए एक्स प्लस थ्री प्लस बी एक्स माइनस फोर। क्लियर। अब देखें, हमें ए निकालना है, ठीक है, और बी को ज़ीरो कर देंगे। तो फॉर ए, फॉर ए, ए निकालना है हमने, पुट एक्स इज इक्वल्स टू फोर, प्लस फोर डालेंगे, ठीक है। इसको इक्वेशन वन बोल दो। अगर प्लस फोर डालेंगे तो प्लस माइनस फोर ज़ीरो हो जाएगा, इस वजह से मैंने एक्स इज इक्वल्स टू फोर डाला इन इक्वेशन वन। क्लियर। अब जल्दी से फोर डाल के देखते हैं क्या आंसर बन रहा है। फोर माइनस इलेवन इज इक्वल्स टू ए प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस थ्री, ठीक है। तो ए फोर प्लस थ्री, यहाँ तक बात हो गई। अब देखें आगे, और बी हमें बोल रहा है प्लस बी फोर माइनस फोर। क्लियर। अब देखें, आपको देखते ही पता चल रहा है फोर माइनस फोर ज़ीरो, इसका मतलब बी जो है वो हमारा ज़ीरो हो जाएगा और ए रह जाएगा, ठीक है। तो अब मैं लाइन चेंज कर रहा हूँ। 11 माइनस फोर, तो 11 में से जैसे ही फोर निकालेंगे 7 बच जाएगा, माइनस सेवन, साइन बढ़ेगी, ठीक है। इज इक्वल्स टू ए फोर प्लस थ्री सेवन और प्लस, अब ये मैं बार बार ज़ीरो नहीं लिखूंगा, बस ऐसे ही बताएंगे, फोर माइनस फोर ज़ीरो हो जाएगा। तो बी मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो ज़ीरो। क्लियर। अब आप देखें माइनस सेवन, ए को अकेला करना है, ए से मल्टीप्लाई हो रहा है सेवन, सेवन मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाकर डिवाइड, ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस वन। क्लियर। कैसे वन आएगी, वन सेवन, ठीक है। तो वन आपके पास वैल्यू आ जाएगी ए की। क्लियर। आगे चलें, आगे बी के लिए काम करेंगे। फॉर बी पुट एक्स इजिकल्स टू, अब देखें बी में एक्स क्या होगा, ए को ज़ीरो करना पड़ेगा, ए क्या होना चाहिए, माइनस थ्री, एक्स इजिकल्स टू माइनस थ्री इन इक्वेशन वन। तो अब देखें इक्वेशन, एक्स माइनस इलेवन, एक्स माइनस थ्री है माइनस इलेवन, ए माइनस थ्री प्लस थ्री प्लस बी एक्स माइनस फोर माइनस फोर। क्लियर। माइनस थ्री माइनस फोर। अब सॉल्यूशन की तरफ, 13 और 11 प्लस करना है, माइनस माइनस प्लस होते हैं, 14 साइन बढ़ेगी, इजिकल्स टू ए माइनस थ्री प्लस थ्री ज़ीरो प्लस बी माइनस सेवन, माइनस माइनस प्लस फोर थ्री सेवन और साइन बढ़ेगी। यहाँ तक क्लियर है। माइनस फोर्टीन माइनस सेवन मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर डिवाइड, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, सेवन वन ज़ा सेवन टू ज़ा, तो बी आपके पास आ गया टू।
यहाँ तक सब मेरे साथ हैं, आप जल्दी से वही कॉपी कर लेंगे। क्या चीज़? ए और बी वाली टर्म, एक्स माइनस इलेवन अपॉन एक्स माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इजिकल्स टू ए माइनस वन एक्स माइनस फोर, माइनस वन एक्स माइनस फोर प्लस टू एक्स प्लस थ्री। अब देखें ए भी हमने फाइंड कर लिया, ए आया था माइनस वन तो ए की जगह माइनस वन, पूरा सेम वैसे ही है, ए डिवाइड बाय एक्स माइनस फोर और बी डिवाइड बाय एक्स प्लस थ्री, ये सब सेम है। आपने इसको रिजल्ट दे देना, इतनी आसान है पार्शियल फ्रैक्शन। अब वो जो दो आपके पास फ्रैक्शन निकले वो फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, आपने एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपने हर सवाल में एक चीज़ आपने देखनी है कि आपका फ्रैक्शन जो है, जो सवाल है वो इम्प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। अगर वो इम्प्रॉपर है तो आपने उसको प्रॉपर में पहले कन्वर्ट करना है। जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था अपनी, कि हमने जब चेंज किया था इम्प्रॉपर को प्रॉपर में, वैसे ही आपने हर सवाल को अगर वो इम्प्रॉपर में, आप जैसे यहाँ देखें, यहाँ पर डिनोमिनेटर में वैल्यू एक्स की वन है और डिनोमिनेटर में एक्स की वैल्यू टू है, इसका मतलब डिनोमिनेटर न्योमिनेटर से बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है न्योमिनेटर छोटा है, तो ऐसे सवाल ऐसे सॉल्व होंगे, आराम से सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, न्योमिनेटर बड़ा हुआ डिनोमिनेटर छोटा हुआ या दोनों की वैल्यू बराबर हुई, तो क्या करना होगा? तो हमने उसको, वो इम्प्रॉपर कहलाएगा, उसको हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर थ्री पे चलते हैं। थ्री एक्स माइनस वन और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो अब ये ऐसा सवाल आ गया कि नीचे डिनोमिनेटर एक ही है, दो है ही नहीं, हमने तो पिछले दो सवाल किए उसमें डिनोमिनेटर दो है। तो ज़रा आप गौर से देखें, सबसे पहले तो क्या चीज़ देख रही है, प्रॉपर है प्रॉपर, क्या ये प्रॉपर है? हाँ प्रॉपर है, नीचे दो हैं ऊपर वन है, ठीक है, इसका मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है, प्रॉपर है, हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखें आपको एक और वैल्यू दिखाई दे रही होगी, डिफरेंस फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये आपके सामने एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, आप इसको तोड़ेंगे दो हिस्सों में, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। आए देखें, माइनस वन एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, क्लियर? इसी चीज़ को तोड़ा है मैंने दो हिस्सों में, इजिकल्स टू ए एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स माइनस वन। ठीक है, एक स्टेप में यहाँ बीच में से स्किप करूँगा, जिसमें हम एलसीएम लेते हैं और दोनों वैल्यू को डिनोमिनेटर को कट कर देते हैं। थ्री एक्स माइनस वन ए एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स प्लस वन। अब देखें, ए के साथ एक्स माइनस वन, बी के साथ एक्स प्लस वन, डिनोमिनेटर हमारा कट हो जाता है, तो मैंने वहाँ पर नहीं लिखा यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्ट कर दिया थोड़ा सा और इस इक्वेशन को वन का नाम भी दे दिया है। क्लियर? अब काम करेंगे सबसे पहले ए के लिए, फॉर ए, ठीक है, पुट एक्स इक्वल टू ए के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक्स डालते हैं ये वाला, ठीक है, तो प्लस वन में क्या ऐड कराएंगे कि जीरो हो जाए, माइनस वन, सिंपल है, बहुत आसान है इन इक्वेशन वन। तो अब पूरी इक्वेशन में माइनस वन डालेंगे एक्स की जगह, थ्री माइनस वन माइनस वन इजिकल्स टू ए माइनस वन माइनस वन प्लस बी माइनस वन प्लस वन। ठीक है बच्चों, अब ज़रा देखें, माइनस प्लस माइनस, थ्री वन थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस फोर, ए माइनस वन माइनस टू प्लस माइनस वन प्लस वन ज़ीरो, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई बी इजिकल्स टू ज़ीरो। क्लियर? अब माइनस टू मल्टीप्लाई हो रहा है ए से, यहाँ आकर डिवाइड, माइनस टू माइनस कैंसिल, टू वन ज़ा टू टू ज़ा, आपके पास ए की वैल्यू आ गई टू। क्लियर है यहाँ तक? ए की वैल्यू आपके पास आ गई टू। अब चलते हैं बी की वैल्यू के पास, पुट फॉर बी पुट एक्स इजिकल्स टू
क्या डालेंगे एक्स प्लस वन, क्योंकि माइनस वन के साथ क्या प्लस करेंगे, ए जीरो हो जाए प्लस वन इन इक्वेशन वन। अब देखें ज़रा, थ्री वन माइनस वन इज इक्वल्स टू ए वन माइनस वन प्लस बी वन प्लस वन, यही इक्वेशन थी, मैंने वही इक्वेशन लिख दी। थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री माइनस वन टू, ए वन माइनस वन ज़ीरो, ज़ीरो मतलब ए ज़ीरो प्लस बी टू वन प्लस वन टू, कितना आसान हो गया। मज़ीद आगे चलते हैं, टू मल्टीप्लाई हो रहा है बी से, जब वो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा डिवाइड और वैल्यू आ जाएगी बी की वन। जब आप ए भी निकाल लेते हैं और बी भी निकाल लेते हैं तो आखिरी काम क्या रहता है, आप इस यहाँ डाल देते हैं ए और बी जो आपने निकाला है। तो क्या निकाला है, थ्री एक्स माइनस वन डिवाइड बाय एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन इजिकल्स टू ए क्या निकाला आपने, टू एक्स प्लस वन प्लस बी, बी क्या निकाला है वन एक्स माइनस वन। क्लियर, तो ये आपका जवाब हो गया, ए बी आपने निकाल लिया, ठीक हो गया। तो अब आप अच्छे से वाकिफ हो चुके होंगे कि आपने पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह से निकालना है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर का। ठीक है, मैंने हर सवाल डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर लिया क्वेश्चन नंबर थ्री तक, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर होगी हर बात। ठीक है, अगर कोई सवाल आपके दिमाग में है जो कि आप पूछना चाहें तो मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में यहीं तक रखूँगा, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरी 4.1 ख़त्म कर देंगे। ठीक है, उसमें जितने भी सवाल आते हैं बाग बकाया जितने भी बच गए वो सारे अगली क्लास में हम वाइंड अप करेंगे, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह, जब तक ये मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।